नमस्कार, मैं रीगम पल पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमारे भारत में लोगों को अपना पेट भरने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें और कुछ नहीं सोचता, उन्हें सिर्फ मेहनत ही करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें अपना पेट भरना होता है, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग है। उन्हें अपने पेट भरने के लिए खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनकी गवर्नमेंट कोई भी हेल्प नहीं करती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि चाइल्ड लेबर नहीं करनी, बट जो एक बच्चा है उसको पेट भरने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है उसके पास, तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि रोड्स पे, रेस्टोरेंट्स के बाहर, मंदिरों के बाहर बच्चे बलून सेल कर रहे होते हैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। वो बलून सेल करके उनसे जो पैसे गेन होते हैं वो उनसे अपना पेट भरते हैं। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, मैंने एक चीज नोटिस करी कि एक बूढ़ी औरत, एज्ड औरत, रेडी लेके सब्जियां सेल कर रही है सिर्फ किस लिए? अपना पेट भरने के लिए। तो वो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक बूढ़ी औरत गलियों में घूम के सब्जी बेच रही है। जो बच्चे हैं उनके, उन्हें इतना भी नहीं कर सकते, उनके लिए खाना भी नहीं दे सकते उनको। बूढ़े लोग क्या मांगते हैं? वो सिर्फ एक खाना ही मांगते हैं, जो वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है। एक माँ बाप अपने बच्चों को खिला पिला कर इतना बड़ा करते हैं, और क्या वो बाद में वो एक खाने लायक भी नहीं होते हैं? क्या एक बच्चा उनको खिला पिला भी नहीं सकता है? भी अपने माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी हमेशा कदर करनी चाहिए। जब वो उन्हें जन्म देते हैं तो वो उनकी कितनी सेवा करते हैं, उनका कितना ध्यान रखते हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं जितना वो कर सकते हैं। बट बाद में आके बच्चे वो सब चीजें भूल जाते हैं और उनको रोड पे फेंक देते हैं, कोई आश्रम में छोड़ आता है, कोई उनको खाना नहीं देता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर में उन्हें फेस करनी पड़ेंगी। जैसा वो करेंगे वैसा ही उनके बच्चे आगे करेंगे। तो इसलिए सब कुछ सोच समझ के करिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए। उनके जैसा लाइफ में कोई भी नहीं होता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनकी मदद कीजिए, जो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ करे कि हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे भूखमरी कम हो और लोगों का पेट भर सके। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।